ब्रेक पर स्वागत। द्वितीय लहर संक्रमण कमुवा बेले चिंता बढ़ाइलाणी तृतीय लहर आशंका एवं ए भितर जोरसोर जारी रही टीकाकरण। नुआ भैरिएंट को नहीं टीका केते फलप्रद हेबो से नहीं आशा आशंका। कोरोनार नुआ भैरिएंट मुकाबला पाई तृतीय डोज देबा पाई प्रस्तुति चलाई फाइजर बायोनटेक। कोविड टीका कोमिरनाटीर तृतीय डोज देबा पाई कंपनी प्रस्तुति चलाई। कोरोनार मुख्य स्ट्रेन मुकाबला पाई तृतीय डोजर आवश्यकता पड़ी पारे। वर्तमान सुधा कोरोनार ए तृतीय टीका बीटा और डेल्टा भारिएंट मुकाबलें फलप्रद हो पारे बोली कहुच्छी। तेणु कंपनी तृतीय डोज्र मंजूरी चेष्टा चलाई। निज कोविड-19 वैक्सीन रेगुलेटरी अप्रुभाल दाबी बायोनटेक पक्षर कहुई। अंतरीण परीक्षण तथ्य को ध्यान में रखी यह मंजूरी चेष्टा वर्तमान सुधा अध्ययन जमापड़ी। प्रथम दुई डोज अपेक्षा तृतीय डोज वैक्सीन नेले ही शरीर में एंटीबॉडी लेवल 5 ରୁ 10 गुणा वृद्धि पाई थाए बोली। नियंत्रण को आसुनी संक्रमण एभली स्थित देखा मिली अमानिया नाना बाहाना। एभली जड़े अमानिया को गिरफ करी आसाम पुलिस। विश्वनाथ जिले में मास्क न पिंधिबारु जन को गिरफ कला पुलिस। सेठारे एबे सटडाउन जारी रही। ड्यूटी सारी घर को फेरुथिबा जने युवक को पुलिस तागिद करिबारु से पुलिस सह जुक्ति करथिले। पाकिस्तान जिंदाबाद नारा मध्य से देथिबा पुलिस अभियोग आनिछि। युवकक ना देवजीत दास। से कोरोना आदि किछि नथिबा कहिकि थिबा पुलिस सूचना देछि। कोरोना संक्रमण कमिबा सह विभिन्न स्थान में बढ़िबार लागिछि रास्ताघाट भिड़। तेबे गत किछि दिन हेबो जो दृश्य सबु सामना को आसुछि ताकु नै चिंता प्रकट करिसंति स्वास्थ्य विशेषज्ञ। भिड़ रे लोके सामाजिक दूरता मास्क पिंधु नाहंती। एहा दृश्य को देखि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिंता प्रकट करिबा सह लोकों को कोविड नियम पालन करिबा को अनुरोध भी करिसंति। कोरोना की दूसरी लहर धीमी पड़ने के बाद कई जगहों पर भीड़ देखने के लिए मिल रही है और पिछले दिनों जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई और उस तस्वीरों में ये साफ तौर से देख सकते थे कि लोग किस तरीके से कोविड-19 के प्रोटोकॉल को भूल चुके हैं, सामाजिक दूरी को भूल चुके हैं, यहाँ तक कि मास्क लगाना भी भूल चुके हैं। और इसी सारी चीज़ों को देखते हुए प्रधानमंत्री ने कल जिस तरीके से मंत्रिमंडल के साथ बैठक की और उसमें ये चिंता भी जताई है। उनका कहना है कि लोग अब सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को भूल चुके हैं और लोगों की ये लापरवाही एक बड़ी महामारी को फिर से चुनौती दे सकती है, क्योंकि जिस तरीके से कोविड-19 से पूरा देश लड़ रहा है और अगर लोग इसी तरीके से लापरवाह हो जाएंगे तो हम इस लड़ाई को कमज़ोर कर देंगे। प्रधानमंत्री ने ये भी चिंता जाहिर की है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के प्रति इतने लापरवाह आखिर क्यों हो गए हैं। अगर घरों से बाहर उन्हें निकलना है, काम के लिए जाना है तो वो जा सकते हैं, लेकिन उन्हें तमाम चीज़ों का ध्यान रखना होगा, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होगा। और इसके साथ ही लगातार सरकारें भी लोगों से यही अपील कर रही हैं कि जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करते रहें, क्योंकि जो वायरस है वो म्यूटेट हो रहा है और तीसरी कोविड की लहर की संभावना भी जताई जा रही है। तो ऐसे में लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो जो कोविड के SOPs हैं उसको पूरी तरीके से फॉलो करें और कोविड की लड़ाई को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में अपना योगदान करें। कैमरा पर्सन गौरव के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।